कानपुर देहात जिले के झिंझक कस्बे में आगामी 15 अक्टूबर को विजयदशमी को लेकर दशहरा की तैयारी जोरों पर चल रही है। वहीं रामलीला मैदान परिसर में रावण का पुतला आते ही देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। कानपुर में रेल बाजार स्थित सलीम पुतला वालों के द्वारा आकर्षक पुतला तैयार किया गया है। पुतले को लेकर झिंझक रामलीला मैदान में पहुंच सलीम के पुत्र इकबाल कानपुर ने बताया कि करीब 60 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि एक पुतले के निर्माण में करीब 15 से 20 दिन का समय लगता है। फिलहाल बुधवार को रावण के विशाल पुतले के वाहनों के द्वारा झिंझक पुतला दहन परिसर में लाया गया, जहां 7 टीम ने उसे यथास्थान स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया है। श्री आदर्श रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि अब पुतले में आतिशबाजी लगाकर उसे पूर्ण रूप से तैयार किया जाएगा। साथ ही अगर रावण की विशेषता की बात की जाए तो रावण के पुतले को बनाने वाले इकबाल ने बताया कि आतिशबाज अब रावण के पुतले में आतिशबाजी लगाएंगे और पुतले में खास बात की अगर बात करें तो रावण की आंखों से अंगारे निकलेंगे। कानपुर देहात से राहुल कुमार की ये विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और कहाँ निवासी? मैं मोहम्मद इकबाल, पिताजी का मोहम्मद सलीम, उन्हीं के द्वारा हम भी सीखे हुए हैं और ये हमारा पुश्तैनी काम है। किन चीज़ों के आप पुतले तैयार करते हैं और लगभग एक पुतले को बनाने में कितना समय लग जाता है? एक पुतले में 20 से 25 दिन का आता है समय। जो पुतला आप बनाते हैं उनमें क्या कई दिन लग जाते हैं? जो आपको क्या क्या सामान लगाते हैं, क्या मतलब स्पेशली क्या? बांस लगता है, कागज़ लगता है और आपकी सुतली है, लई है, पेपर है, रंगीन कागज़ है, ये सब चीज़ें लगती हैं। आपके पुतले जो बनाए जाते हैं वो किन किन जिलों में जाते हैं, अन्य जिलों में भी जाते हैं? आपके तो झिंझकी में झिंझक है, हमीरपुर है, कानपुर में हमारे यहाँ 4-5 जगह है और बेला बिधूना है, यही सब जगह गए हैं। पिछले लॉकडाउन की बात करें जी, लॉकडाउन में आपका कारोबार कैसे चला? क्योंकि आप बता रहे हैं कि मेरा काम बिल्कुल नहीं चला हमारा। ये बस श्री बाप का झिंझक मैंने किया था, हमीरपुर किया था और अपना रेल बाजार। जो आपके घर के जो खर्चे थे उनको आप किस तरीके से मैनेज किया? कमेटियों से मैनेज किया मैंने, कमेटियों ने मेरा बहुत साथ दिया। जैसे संतोष शुक्ला हैं आपके, विमल चाचा हैं, विमल शुक्ला, इन लोगों ने बहुत सहयोग किया हमारा। और भी जो कमेटी हमारे कानपुर की हैं जिस जगह पे हम रहते हैं उनने बहुत कर सहयोग। जो आप रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले बनाने का कार्य करते हैं कितने दिनों से कर रहे हैं? और ये हमारा पुश्तैनी, हमको करते करते कम से कम 27-28 साल हो गए और मेरे पिताजी करते तो उनको तो 50 वर्ष हो गए। अभी लॉकडाउन में उनकी डेथ हुई है नवंबर में। और मेरे बाबा करते थे, बाबा का नाम था नूर मोहम्मद रहमतुल्ला, पापा का नाम था मोहम्मद सलीम। जागरण का भी मैं काम करता हूँ, मंदिरों का श्रृंगार वगैरह है, मूर्तियाँ हैं, सब काम करते हैं। एक पुतले को बनाने में करीब कितने पैसों का खर्चा? अब ये पुतले के ऊपर है कि क्या मतलब कैसा पुतला होगा। अच्छा, जो आप झिंझक में पुतला लगा रहे हैं इसमें क्या विशेषताएँ? अब जैसे कि रावण में उसे आपके चेहरों में आग में वो आँख में बल्ब है, सर से फुहारा निकलेगा, आँखों से फुहारा निकलेगा, ये सब चीज़ें हैं।